बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क, देश के लिए मर मिटने वाले जवानों की प्रतिमाएं की गई स्थापित। 40 लाख रुपए की लागत से तैयार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर बलरामपुर में प्रदेश के पहले शहीद पार्क का उद्घाटन किया, जिसके बाद यहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस पार्क में शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सभी प्रतिमाओं के पास शहीद जवानों की पूरी जानकारी दी गई है। शहीद पार्क में बड़ी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और वे जवान जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनकी प्रतिमाओं को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि शहीदों को याद करने के लिए साल में किसी एक दिन का इंतजार न किया जाए, बल्कि उन्हें लोग हर दिन याद करें। इसी सोच के साथ बलरामपुर रामानुगंज जिले में प्रदेश के पहले शहीद पार्क की स्थापना की गई है। बलरामपुर में देश के पहले शहीद पार्क को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण के लिए नगरपालिका को नोडल एजेंसी बनाया गया था। बलरामपुर के शहीद चौक पर स्थापित इस पार्क में शहीद प्रधान आरक्षक लाजरूस मिंज, शहीद आरक्षक महेश राम पैंकरा, शहीद आरक्षक अनिल खलको, शहीद उप निरीक्षक नवोर कुजूर, शहीद प्रधान आरक्षक मनाजरुल हक, शहीद उप निरीक्षक मसीही भूषण लकड़ा, शहीद प्रधान आरक्षक राम साय राम की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।